अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, सब सेहत खैरियत से होंगे। ये रहा जी दिन संडे का और मैं आ गई थी बाहर सुबह सुबह। ये देखिए कितना प्यारा वक्त है सुबह सुबह का, करीब 6 o'clock का वक्त था। अभी नमाज़ पढ़ के बाहर आई तो ये देखिए बाहर थोड़ी देर मुझे यहाँ पे ये चिड़ियों की आवाज़ें सुनना और इस तरह के पेड़ के सामने खड़े रहना मुझे अच्छा लगता है। तो ये देखिए मेरे साथ ही साथ ये मेरा मिन्नू भी बाहर आ जाता है और बैठा रहता है मेरे साथ। खैर ये देखिए ये रात भर पत्ते गिर के इस तरह से ये मेरी बालकनी सारी फुल हो जाती है। सुबह सुबह सबसे पहला मेरा काम होता है इसके लीटर को पाक करना और रीफिल करना। और इसके बाद उसका फूड को भी रीफिल करना। उससे पहले मैं सारा कंटेनर धो के अच्छे से सुखा देती हूँ। कभी कभार इसमें चींटियाँ भी बहुत आ जाती है फूड के स्मेल की वजह से। तो नया पानी, क्लीन वाटर और क्लीन फूड रख के सब कुछ इसका तैयार करके बाद में मैं किचन की तरफ जाती हूँ। तो ये देखिए मैं आ गई थी किचन की तरफ। आज बच्चों को सीरियल्स का नाश्ता चाहिए था तो देखिए मैंने दिया उनको ये चोको फ्लेक्स और कॉर्न फ्लेक्स का दूध का ब्रेकफास्ट। ये देखिए उतावला हो रहा है देखने के लिए कि मेरे बाउल के अंदर क्या है। खैर आज मैंने मेरे किटन जैसा ही नाश्ता किया। और ये देखिए ब्रेकफास्ट के बाद मैंने सारे बर्तन सब धो दिए और हो गई थी सारी किचन क्लीन। अभी हो गया था वक्त 12 o'clock का और हस्बैंड लेके आ गए थे ये बोटी, यानी हम लोग हमारे यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में बोटी कहते हैं। इसका एक्चुअली डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पार्ट होता है वो है। क्योंकि अभी रमज़ान स्टार्ट होने वाला है, इन सब कामों में नहीं हो सकता, वक्त नहीं मिलता, तो रमज़ान स्टार्ट होने के पहले ये लेके आ गए थे। खैर इसको मैं आज आपको फुल डिटेल में बताऊँगी मैंने इसको किस तरह से क्लीन किया और किस तरह से पकाया। ये देखिए ये एक थैले जैसा होता है, इसके अंदर सारे इसके इंटेस्टाइन्स और जो भी इसका डाइजेस्टिव का जो भी पार्ट्स होते हैं सारे इसके अंदर अंदर डाले होते हैं। तो इस तरह से इनको सारों को पहले सेग्रीगेट करना है, इसके बाद थोड़ा पानी गर्म होने के लिए रखना है क्योंकि इसको पानी क्लीन करने के लिए गर्म पानी की भी ज़रूरत पड़ती है। और ये देखिए इंटेस्टाइन्स को इस तरह से मैं काट लेती हूँ। इंटेस्टाइन्स में दो टाइप के इंटेस्टाइन्स होते हैं, जिसमें छोटे वाले जो होते हैं उसमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती इनको छीलने में, बस छोटा सा एक पाइप ट्यूब जैसा होता है उनको चीर देना पड़ता है। बट जो लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं वो स्पाइरल टाइप में, स्पाइरल शेप में इंटैक्ट होते हैं, उनके ऊपर थोड़ा फैट भी लगा होता है। उन सबको अलग करके उसके बाद उनको बीच में से स्लिट करना पड़ता है। तो खैर देखिए मेरे सारे इंटेस्टाइन्स को इस तरह से चीर लिया, अभी मैंने क्लीन नहीं किया है उनको, बस इस तरह से चीर के रखा हुआ है साइड पर। और ये रहा जी स्टमक को बस कुछ नहीं, उबलते हुए पानी में बस 1 या 2 मिनट के लिए इसको अच्छे से डिप करना है और इसके बाद इसके ऊपर का जो लेयर है ना वो बहुत ही आसानी से निकल जाता है। अगर आप इस तरह से हॉट वाटर में डाले बगैर आप अगर छीलेंगे तो ये बहुत वक्त लेता है और बहुत मुश्किल भी होता है इसको साफ़ करना। तो ये देखिए किस तरह आसानी से निकल रहा है, बड़ा ही क्विकली इस तरह से ये काम हो जाता है।
ऐसे निकल रहा है जैसे कहीं लेबल या स्टिकर लगा होता है तो निकलता है ना, इस तरह से निकल रहा है। देखिए सारा कुछ बस इस तरह से पील कर देना है इसको, और अंदर का तो पार्ट इतना क्लीन हो जाता है, वाइट हो जाता है एकदम से। ये हमारे घर में रेगुलरली तो नहीं खाते, बट कभी कभार यस वंस इन अ मंथ या कुछ इस तरह से खाते ही हैं। मुझे नहीं पता, बहुत से लोगों के घरों में शायद ये नहीं बनता, बट खाना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही बेनिफिशियल है डाइजेस्टिव, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। तो ये देखिए, एक तो मैंने बस सेकेंड्स में मिनट में पाक कर लिया और दूसरे को भी मैंने डाल दिया है हॉट वाटर के अंदर। ये देखिए कुछ ही मिनट में मैंने इन तीनों स्टमक्स को अच्छे से क्लीन कर लिया, और ये रहा, मैंने बहुत सारा हल्दी और नमक डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके रख दूंगी कुछ 5 या 10 मिनट के लिए। और ये देखिए नमक और हल्दी अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद इसको कुछ 5 मिनट्स के लिए रख दूंगी इसी तरह से। और अभी देखिए इस तरह से इस इंटेस्टाइन्स को आप अगर आप प्रेस करते हुए पुल करेंगे ना, तो उसके अंदर से कुछ स्लाइमी टेक्सचर निकलता है। और ये देखिए वो किस तरह से उसके अंदर का जो भी डर्ट या कुछ होता है इस तरह से पूरा बाहर आ जाता है। इसी तरह से इसको खींचते हुए एक और बर्तन में निकाल लेना है, और यहाँ पे देखिए जो जो क्वांटिटी निकली हुई है कितनी सारी है। इस तरह से आप क्लीन करेंगे तो आपके ये डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही क्लीन हो जाएंगे और स्मेल बिल्कुल नहीं रहेगी पकाने के बाद। जब बहुत से लोग इसीलिए नहीं खाते क्योंकि इसमें जो स्मेल होती है उन लोगों को अच्छी नहीं लगती, बट इस तरह से पाक करने से 90% तक स्मेल सारी जो होती है वो निकल जाती है। और ये देखिए जी, हमारा ये स्टमक वाला पार्ट भी अच्छे से क्लीन हो चुका है। अभी ये रहे जी लार्ज इंटेस्टाइन्स के ऊपर वाला हिस्सा, इनको भी मैंने अच्छे से रब करके 4-5 पानी में अच्छे से इसको वॉश कर लिया है। ये देखिए इन सब को अच्छे से सेपरेटली वॉश करके कोलेंडर्स में रखना है ताकि इसके अंदर जो भी एक्सेस वाटर है अच्छे से ड्रेन हो जाए। अभी है जो वक्त सारी चीज़ों को काट के एक ही साथ पकाने का। तो ये देखिए सारे जो हैं इन सब चीज़ों को मैंने अच्छे से बारीक बारीक हिस्सों में अच्छे से काट लिया है, और यहाँ पे देखिए छोटे छोटे पीसेस में मैंने कट करके कुकर के अंदर डाल लिया है। इसी में मैं आज सालन बनाऊंगी। अगर इसको क्लीन करते वक्त अगर आपको किसी का सपोर्ट मिल जाए तो बहुत जल्दी काम ख़त्म होता है। बस मैं अकेली थी, बच्ची को तो मेरी बड़ी वाली बेटी को तो उसके एग्ज़ाम्स चल रहे थे, उसको पढ़ना भी था तो मैंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया। खैर सारा कुछ अकेले ही मैंने कर लिया काम। तो फाइनली हमारा ये कटिंग का जो काम है आज वो ख़त्म हुआ। अभी हम चढ़ा देंगे इसको चूल्हे के ऊपर। अभी मैंने इसके अंदर डाला है 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून सॉल्ट एंड एक बड़ा प्याज।
अभी भी ये पानी जिर ही रहा है। इसके बीच में मैंने ये देखिए स्वीट कॉर्न पड़े हुए थे मेरे पास, सोचा इनको गला लूँ, तो ये देखिए मैंने छील के इनको कुकर के अंदर पानी के साथ डाल दिया है ताकि गलते रहे। और ये देखिए लगभग पानी सारा सूख चुका है इस बोटी के अंदर। अभी मैं ऐड करती जाऊंगी मसाले। सबसे पहले मैंने डाला 2 टीस्पून जितना जिंजर गार्लिक पेस्ट, और नेक्स्ट 1 टेबलस्पून जितना कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 2 टेबलस्पून जितना रेड चिली पाउडर। अच्छे से इसको मिक्स कर लेने के बाद मैंने इसके अंदर डाला हरा मसाला, ऑनियन और कोरिएंडर वाला मसाला। अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स करके छोड़ दूंगी बहुत देर पकने के लिए। ये देखिए पानी उसका भी अच्छे से सूख जाने के बाद मैंने इसके अंदर करीब 1/2 kg जितने टमाटर, देसी टमाटर मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं, और कुछ नारियल का पेस्ट, और साथ ही साथ मैंने डाल दिए 4 हरी मिर्चें और करीब 1/2 liter जितना पानी। ये देखिए अभी उबाल आ चुका है इसके अंदर, इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और थोड़ा सा मैंने लेमन, 1 लेमन मैंने ऐड किया है क्योंकि मुझे खट्टापन कम लग रहा था, और इतने पे बन गए थे ये देखिए हमारे स्वीट कॉर्न्स, गर्मा गर्म स्वीट कॉर्न्स ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। कुकर का लिड बंद करने के पहले मेरे पास 2 मैगी के मसाले पड़े हुए थे, उनको डालने से इसमें बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। और यहाँ पे देखिए अब दे दिया है मैंने ढक्कन, और यहाँ पे देखिए मेरा ये मीनू किस तरह से मेरे हबी के साथ लगा हुआ रहता है। उनको वो मेरे और बच्चों के साथ से ज़्यादा वो मेरे हस्बैंड के साथ रहता है। खैर यहाँ पे देखिए ये इस कोलैंडर को देख के डर रहा था, पता नहीं क्यों उसे डर डर के आगे जा रहा था। और यहाँ पे देखिए हमारे डिश का फाइनल लुक कितना अच्छा आया है। आपने जैसे देखा मैंने एक बूंद भी इसमें तेल नहीं डाला था, जो भी इसके अंदर फैट कंटेंट था उसका ऑयल रिलीज हुआ है, और जितना देखने में टेम्पटिंग लग रहा है उससे मज़े का था ये एक्चुअल में। अभी मैं कर रही थी डिश आउट, ये देखिए साथ में मैंने बनाया था ये रागी बॉल्स, यहाँ पे बहुत ही फेमस है ये इस तरह की ग्रेवी के साथ, रागी से बने हुए होते हैं ये और बहुत ही न्यूट्रिशियस होते हैं ये, वेट लॉस में तो बहुत काम आता है ये। खैर हमने खाया ये मज़े का खाना, बहुत ही मज़े का लगा, मेहनत तो लगी मगर खाने के बाद सारी मेहनत चीज़ हो गई जैसे। खैर आज यही तक भाई, प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर से एक नए ब्लॉग के साथ, टिल देन बाय, अल्लाह हाफिज़।